गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीत रूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलत्रं भजौ पञ्चवक्तं। प्रिय बंधुओं, आपके समक्ष रामलीला का प्रसंग, राम और केवट संवाद प्रस्तुत किया जा रहा है कुमार कैसेट आगरा के माध्यम से। राम और लक्ष्मण और जानकी गंगा के किनारे पर पहुंच गए। मां गंगा को देखकर राम जी ने कहा, लाखों का उद्धार छिपा है गंगा जी की धार में, लाखों का आधार छिपा है, लाखों का आधार छिपा है गंगा के मझधार में, और लाखों का उद्धार छिपा है गंगा जी की धार में, लाखों का कैसे हुआ। लक्ष्मण ब्रह्म कमंडल से ये निकल कर शिव की जटों में समाई। जिस समय बावन जी ने राजा बलि को छला, दूसरा पग जब ब्रह्मलोक में रख दिया, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से बावन जी के दाहिने पैर के अंगूठे के नख को धो लिया, जिससे गंगा का जन्म हो गया। और ब्रह्म कमंडल से ये निकल कर शिव की जटों में समाई, शिव की जटों से निकल कर गंगा अबनी पर लहराई। अरे करता जल कल कल है और कितना पावन जल है, और करता जल कल कल है कितना पावन जल है। हरिद्वार को छोड़ के गंगा, हरि के द्वार को छोड़ दिया गंगा ने, और हरिद्वार को छोड़ के गंगा पहुंच गई हरिद्वार में। हरिद्वार पहुंच गई, या यूं कहें कि हरिद्वार को छोड़ के गंगा पहुंच गई हरिद्वार में, हर घर में प्रवेश कर गई गंगा। तो लाखों का उद्धार छिपा है गंगा जी की धार में, लाखों का आधार छिपा है, लाखों का आधार छिपा है गंगा के मझधार में, लाखों का आधार छिपा है गंगा जी की धार में, लाखों का उद्धार। राम लक्ष्मण और जानकी ने मां गंगा का वंदन किया, पूजन किया। उसके बाद उन्हें प्रतीक्षा है केवट की। नैया तो दिख रही है, लेकिन केवट का पता नहीं, केवट है कहां। तो राम जी केवट को बुलाने लगे, कहने लगे, क्या कहने लगे, और कब से खड़े हैं, अरे कब से खड़े हैं पुकारे तुम्हें हम,
और कब से पुकारे तुम्हें बार बार गंगा के घाटों पे, गंगा के घाटों पे, कब से पुकारे तुम्हें बार बार गंगा के घाटों पे, गंगा के घाटों पे, कब से पुकारे। सुन ले के बटबानी ऐसी है हैरानी, ले आओ तुम नैया। अरे सुन ले के बटबानी हमको है हैरानी, ले आओ तुम देखो नैया। और 14 बरस को बन हमें जाना, 14 बरस को बन हमें जाना। सुन ले प्यारे बट भैया, अरे कब से पुकारे तुम्हें बार बार गंगा के घाटों पे, गंगा के घाटों पे। बनवासी बन में देखो आए, माता पिता के वचन ये हमने आकर के निभाए। अरे जल्दी आओ सुन ले भैया, ले आओ तुम देखो नैया। कब से पुकारे तुम्हें बार बार गंगा के घाटों पे, गंगा के घाटों पे। गंगा के घाटों पे, गंगा के घाटों पे, गंगा के घाटों पे, और गंगा के घाटों पे। लेकिन सामने से देखा एक बालक चला आ रहा है, वो बालक आकर क्या बोला, काए भैया कहां से आवन भव है, कौन को इंतजार कर रहे तुम, कहां तुम्हारा परिचय, कहां जाने। अच्छा हमें कहां जाना है, कहां से आए ये तुम जानना चाहते हो, हमें कहां जाना है और आए कहां से, हम अपना परिचय देने दे रहे हैं। सुनो अवधपुरी से हम आए हैं, और अवधपुरी से हम आए हैं, और माता पिता ने बन पठाए हैं। आज्ञा की हमने ये स्वीकार है, आज्ञा की हमने ये स्वीकार है, लेकिन केवट का हमको इंतजार है, जाना हमें उस पार है, केवट का हमको इंतजार है। चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के हम पुत्र हैं, हमारा नाम क्या है,
अयोध्या के रहने वाले हैं। हमारा नाम और नाम हमारा सुनो राम है, नाम हमारा सुनो राम है, और छोटा भाई ये लक्ष्मण नाम है, संग में ये सीता मेरी नार है, संग में ये सीता मेरी नार है, लेकिन केवट का हमको इंतजार है, जाना हमें उस पार है, केवट का हमको इंतजार है। हमारा ये परिचय है, और तुम अगर नाव चलाना नहीं जानते हो तो तुम अपने ददुआ को ये बता दो कि रास्तागीर पार होने के लिए आए हैं। अरे वो ददुआ कह रहे बेटवा का मोई का बुलावा है, आपने घाट पे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के लला आए। चक्रवर्ती चक्रवर्ती के चक्कर में पड़ेगा, हम हूं का चक्कर में डार दिन। चक्रवर्ती बिठवा कौनो बड़ी बात ना होई, चक्रवर्ती तो बात है कहतन जी के घर में चक्रिया चलावे बारी होई, सोई चक्रवर्ती तुहार महातारी बनिए, हम हूं चक्रवर्ती तुहू चक्रवर्ती। आई कहा नाम लिया रहा है अयोध्या क्या महाराज दशरथ जी, आई कहा मोर पाना पांजरावा बेटवा, उनके संग में आओ, कौन कौन है रे? सीता मैया हुए, लखन जी हुए, राम जी है, लखन जी संग में आओ, आओ कौन है? सीता मैया हुए। हाँ ए बेटवा, हमार तुहार सबका किस्मत खुलेगा, भाग खुलेगा, जो राम जी अपन घाट पे आई गए, रामजू छाक छाक भगवान हन रे, नहीं जानत है सीता मैया का ना लिए रहा, सीता मैया जनकपुर की हन, एक बार रामजू लक्षण मंजू अपन गुरु बाबा विश्वामित्र के संग मा जनकपुर जात रहा है, तो रास्ता में एक कंतावरा गांव मिले लागू, कंतावरा गांव के हार मा का भबा सुन तो ही कब बतावन, कंतरा वाले हार की एक बात बतावन, बिटवा तुई का सुनावन, कंतरा वाले कंतरा के हार एक पथरिया परी रहन, हार में एक पथरिया पड़ी रहा है, बहुत दिन से डरी रहा है, फिर का भवा हिन हुन ते मनही, इत उत ते मनही, इत उत ते मनही, आमी बापे खुरपी टिवावन, बिटवा हसिया टिवावन, कल तोरा बाली हार की एक बात बतावन, बिटवा तुई का सुनावन, रहन कौन जात रहन, राम लक्षण, फिर का भवा गौतम ऋखी की, हाँ गौतम ऋखी की, गौतम ऋखी की लागे उनको कथा सुनावन, बिटवा कथा सुनावन,
संतोरा वाली हर की एक बात बतावन पिटवा तुई का सुनावन पदरज के लगते हाँ पदरज के लगते पदरज के लगते बन गई वो नारी सुहावन बिटवा नारी सुहावन संतोरा वाली हर की एक बात बतावन बिटवा तुई का सुनावन पे पग परो पथरिया पार हो चली वो करतार की भली बूढ़े ब्रह्मा की लली चली भरतार की गली पथरा पे पग परो पथरिया पार हो चली वो करतार की भली बूढ़े ब्रह्मा की लली चली भरतार की गली गतरे जिनके पावर की धूरा तो पथरिया महरिया हुई जात है छाक छाक भगवान हने और अब तो कहीं बतावन एक दाई हम पर रान रहे सपना देखो रहे हुई सकत कौन जन्म मास होई एक बड़े भारी दूध के समुंदर मा पानी के समुंदर बनाई एक बड़ा भारी सांप हुई पे उतरात रहा है और उस सांप की कुंडली पर एक ऐस मूरत परी रहे जैसे मंदिर में होती एक मेहरारू मूरत के पाँव दबावत रहा है एक कछुआ मुंड निकाल के जैस वही मूरत के ढिंग जाए का मन कीने हो साफ फुसकारी दई दिन चार कछुआ डूबिगा फिर निकसन तो मूरत मुस्कुराए के बोलन ला कर रे कछुआ ई जन्म मनाई जब तुहार पुण्य प्रताप हुई है अच्छे कर्म करी है मात पिता की सेवा करी है बड़न की आज्ञा मानी है तो तुहार पुण्य प्रताप हुई जाए तो मनुष्य का जन्म हुई है केवट के घर में तुहार जन्म हुई है तो तुहार हम घाट पे आए तुहार नाव ते पार जाए अरे तुहार नाव ते का तुहार जीवन की नैया का पार कर दीहन तो हम का इस लागत है कि हम केवट के घर में जन्मन बूढ़े हुई गए भगवान का नाम लेत लेन लेन आज ऐसे लागत हुई भगवान छाक छाक राम जी सरकार मोर घाट पे मोर तरन तारण करवे खातिर सीता मैया के संग मा और लक्ष्मण जी के संग मा आए गए ए बेटवा हमार तुहार सबका भाग खुलिया उनसे ये कह दे जाए के क्या ददुआ का तबीयत ठीक नहीं है वो दूसरे घाट पे निकल जाए क्या तुम्हें पता है मेरे बिटवा मेरे स्वामी आने वाले हैं दुनिया के वो ही मालिक हैं मुरी बिगड़ी बनाने वाले हैं क्या तुम्हें पता है मेरे बिटवा मेरे भगवान आने वाले हैं
सारे जग के वो ताता है, वो सबके ही सुख दाता है, वो सबके भाग विधाता है, वो सबके भाग विधाता है। क्या तुम्हें पता है मोरे बिटवा मोरे मालिक आने वाले हैं, दुनिया के वो ही पालक ही मोरी बिगड़ी बनाने वाले, मोरी बिगड़ी बनाने वाले। ओरे उनसे कहते हो दुनिया जानी भैया केवट सरकार मोहिता बुलावा है। हाँ कहो ना काम है, का सेवा करन सरकार, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। दूर रहो सरकार, हम अछूत हन महाराज, हम हरिजन हन, हम कुजात हन महाराज। इबामन बनिया इठाकर बड़ी जात वारे मोहिता बड़ी घिन्ना करत हैं, छीछा लेती महाराज मोहिता का करें का, अपना गरीब गुरबा पार कर दिन मजबूरी ले लिहन, तुम तो राजन के लड़का हो ठाकुरन के लड़का, आपका छू ले हो तो छूत ही जाइयो महाराज, इतने दूर है रहा। केवट तुमसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, हम महलों को छोड़कर यहाँ पर आए हैं जंगल में, उन्हीं लोगों से मिलना चाहते हैं जो अपने को उपेक्षित समझ रहे हैं और वो अपने को हरिजन समझ रहे हैं, हरिजन हरि के जन हैं, उनसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई हमें। हाँ महाराज, क्योंकि उनके मन में एक भाव है कि हम अछूत हैं, छुआछूत नाम की वस्तु राम के पास नहीं है, राम तो सबसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि जाति जाति को पाइनो जाति जाति में जात, प्रत्येक जात को पाओनो अपनी अपनी जात में जात, प्रत्येक जात को मेहमान अपनी अपनी जात में जात जात, लेकिन राम एक ऐसी जात है जो सब जातन में जात, सब जातन में जात। हाँ तो सरकार कौनो जात ही नहीं फिर आजाद था। हाँ जात जात में जात, हमको जात दिखात, प्रभु की जात सुजात है, हमारी जात कुजात।